नमस्कार मित्रों, हम यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज हिंदी में स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने पहली कंपनी जो हिंदी सीरीज में लिया है वो है आइशर मोटर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये कंपनी वर्ल्ड में बहुत ही फेमस कंपनी है। ट्रक्स बनाती हैं, कमर्शियल व्हीकल्स जिसे हम कहते हैं, टू व्हीलर्स कंपनी में ये इंडिया में मार्केट लीडर है। ये कंपनी आइशर मोटर जो है ये रॉयल इनफील्ड की बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, इनके पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करती है। 1982 से ये कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है और बहुत ही फेमस कंपनी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये वेबसाइट मैंने खोला हुआ है, ये मिस्टर लाल जी हैं जो कंपनी के चेयरमैन हैं, उनका इंटरव्यू भी आप यहाँ सुन सकते हैं साइट पर। यहीं पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी कौन कौन सी बिजनेस करती है, कौन से आप उसके सारे न्यूज़ को, उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम इनके सारे फाइनेंशियल डेटा, जो इनका आर्थिक आंकड़े हैं, उनको भी ज़रा देख लेते हैं। स्क्रीन पे देखिए, जैसा कि अभी हमने साइट पे भी देखा था, ये आइशर मोटर लिमिटेड कंपनी 1982 में स्थापित हुई थी। ये एक शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, NSE BSE दोनों में लिस्टेड है। ये ग्लोबल लीडर है, इंडियन भारतीय जो भी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं उसमें बहुत ही फेमस कंपनी है। ये कंपनी वोल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के बिजनेस में वोल्वो के साथ इनका जॉइंट वेंचर भी है, देख सकते हैं आप। अभी चलिए देखते हैं कुछ आंकड़ों को। मार्केट कैप, जो इनके पूरे मार्केट में जितने भी शेयर की जो प्राइस होंगी, वो अभी 78,000 करोड़ है। करेंट प्राइस 2853 है, हाई 3,000 है, लो 2,000 रुपीज़ है। पी देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसे कहते हैं हम, और ये अभी 47 है इस कंपनी के लिए, जो कि देखा जाए तो वर्ल्ड में और मार्केट लीडर जिनका बहुत ज़्यादा चलता है उसमें 47 पी एक अच्छा पी है। बुक वैल्यू 418 है। यूजुअली आप देखेंगे जो भी लार्ज कंपनियाँ होती हैं उनकी बुक वैल्यू आप इसी तरह से बहुत कम देखेंगे उनके शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग। डिविडेंड यील्ड 0.6 है, 0.6 है, जो कि वो भी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये पूरे कैपिटल पे कितना आप रिटर्न ले पा रहे हैं, उसके कितने कितने एम्प्लॉयड वो कर पा रहा है, वो 16.7 ये कंपनी कर रही है, जो कि एक अच्छा है। हो सकता है कि किसी को कारणवश अभी ये 16 पे है, लेकिन ये कंपनी अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले मेंटेन कर चुकी है, और भविष्य में भी अनुभव है, अनुमान है कि ये कंपनी ज़्यादा करेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका बहुत अच्छा है, आप देख रहे हैं कि 12.6 है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही बहुत ही अच्छे पैरामीटर होते हैं किसी भी अच्छे शेयर मार्केट में शेयर को चुनने के लिए। फेस वैल्यू देखिए 1 है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि किसी भी कंपनी का अगर फेस वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो पहले फेस वैल्यू 10 होता है यूजुअली किसी भी कंपनी का, नॉर्मली अगर देखेंगे ना ज़्यादातर, तो एक इसका मतलब कि इसका जो एक्चुअल प्राइस मार्केट प्राइस अगर 2853 है तो आप इसको 10 से गुना करेंगे तो 28,000 रुपये का 10 फेस वैल्यू में शेयर हो गया। अल्टमेंट स्कोर देखिए 20.2 है। इसका कहने का मतलब हुआ, ये जो अल्टमेंट जेड स्कोर है इसका अर्थ ये है कि ये कंपनी बहुत ही कम चांसेस है भविष्य में किसी भी सिचुएशन में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी। नंबर ऑफ इक्विटी कैपिटल देखिए 27.3 है, जो कि वो ठीक है। अगर आप कंपेयर करें बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनियों में तो इस कंपनी का जो अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है बहुत ही अच्छा है। ग्रोथ फैक्टर देखिए 4 है। हो सकता है कि किसी कारणवश ये ग्रोथ फैक्टर 4 हो। यूजुअली ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है रॉयल इनफील्ड की, और इसके जो ट्रक्स हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मैंने खुद फिजिकली देखा हुआ है। पायोट्रॉस्की की देखिए 5 है।
लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में इस पायोट्रोस्की की को भी इम्प्रूव करें। ये यूजुअली 8 और 9 और 7 के रेंज में जो पायोट्रोस्की होती है बहुत अच्छी होती है। रिजर्व पावर देखिए 52 है, बहुत ही अच्छा रिजर्व है। ये 52 गुणा है, ये मतलब उसके जो कर्ज हैं इस कंपनी के ऊपर उससे ज़्यादा इसके पास रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स क्या होता है, जब भी कोई कंपनी पैसा कमाती है, प्रॉफिट बनाती है, उस प्रॉफिट को जब रिजर्व कर लेती है, अपने पास रख लेती है, तो किसी भी भविष्य में विकास करने के लिए, तो उसे हम रिजर्व पावर कहते हैं। रिजर्व पावर देखिए 52 गुना है, बहुत ही अच्छा संकेत है ये। देखिए प्राइस पावर इसका 0.15 है, बहुत ही अच्छा है। एसेट पावर देखिए 3.15, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एसेट जो है वो 3 गुना ज़्यादा है इसके लाइबिलिटीज से। प्लेज परसेंटेज देखिए 0 है, कंपनी जी एक भी शेयर को प्लेज नहीं की है। पेग रेशियो देखिए 317 है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा पेग रेशियो मतलब कि यूजुअली अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा विकास कर रही है, आगे भी करेगी। जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो हो सकता है इनको थोड़ा सा चैलेंज हो जाए आने वाले टाइम में, लेकिन देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। अच्छा इसका मोटर बिकता है। सॉलिडिटी देखिए 1.01 है, जो कि बताता है कि इस कंपनी ने अपने शेयर को डाइल्यूट किया है। 0.01 इसका मतलब ठीक है, थोड़ा सा माइन्यूट है, चलेगा, ये हो सकता है। अभी देखिए इसका मैक्सिमम चार्ट को देखिए आप। अब जरा देखिए इस शेयर ने किस तरह अपने इन्वेस्टर को कई गुना रिटर्न दिया है। ये देखिए जिस भी व्यक्ति ने इस कंपनी में 2010, 2008, 2009 में इन्वेस्ट किया होगा 68 रुपये, 57 रुपये पे, अब देखिए उस कंपनी का शेयर कितना गुना बढ़ गया है। इसलिए कहा जाता है शेयर मार्केट जो है ये 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड है। वॉरेन बफेट देखिए कितने फेमस इन्वेस्टर हैं, उन्होंने सारे पैसे इसी शेयर मार्केट से ही अर्न किए हैं। अब देखिए इस कंपनी के प्रोज और कॉन्स को हम लोग यहाँ समझते हैं। प्रोज का कहने का मतलब हुआ कि इस कंपनी में क्या अच्छाई है। कंपनी जो है बिल्कुल कर्ज मुक्त है, यहाँ देख रहे हैं डेट फ्री है, और आने वाले क्वार्टर को अच्छा ये दे सकती है। इनका जो डिविडेंड है ये अच्छा मेंटेन कर पाएंगे, हेल्दी डिविडेंड इनका 22.88% है, जो कि अच्छा माना जाता है। कॉन्स क्या है, ये कंपनी ने पिछले 5-6 सालों में 7.15 का रिटर्न दिया है, जो कि वो भी अच्छा ही है कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए। ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, वही करती है जो TVS मोटर और हीरो मोटर को आप करती है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, अब इसके सेल्स डेटा को देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। देखिए सेल्स इसका 2018 में 2400 करोड़ का था, जो कि अभी 2900 करोड़ का है, जो कि ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं देखेंगे। आप देखेंगे 2018 में इसका 11% का ओवरऑल रिटर्न था, लेकिन अभी देखिए मार्च में इसका 33% का रिटर्न इसने दिया है, क्योंकि कोरोना वायरस से जो रिकवरी हुई है उसके वजह से ये इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। जून में देखिए किस तरह ये डाउन हुआ था जून में, इसलिए, लेकिन आप देखिए 1974 है, जो कि पिछले जून से भी ज़्यादा है ये, ठीक है, बहुत अच्छा है इसका रिटर्न। ऑपरेटिंग देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी 700 करोड़ से 600 करोड़ तक की अभी बना पा रही है पिछले 3 साल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका, मतलब कितने प्रॉफिट में कितना मार्जिन ले रही है कंपनी, अपने प्रॉफिट निकाल रही है, 30% से अभी 22-16% पे चल रही है, थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है, इसी वजह से इसके स्टॉक प्राइस इतने मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता आने वाले वक्त में ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न दे। इंटरेस्ट देखिए इसका किस तरह, दो करोड़ का इंटरेस्ट अभी 6 करोड़ का है, जो कि बहुत ही माइन्यूट है इसके ओवरऑल प्रॉफिट में, तो बैलेंस शीट पे इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिए 800 करोड़ से 300 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट भी देखिए 554 करोड़ से अभी 237, से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है इसी लॉकडाउन और कोरोना की वजह से, लेकिन ये कंपनी बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनी है। अभी देखिए सेल्स इसका 2009 में 2939 हुआ करता था, जो कि अभी ये 8000-9000 करोड़ के करीब आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा ये गुणे में, मतलब इसने ग्रोथ किया है, इसका जो विकास हुआ है कंपनी का बहुत ही अच्छा हुआ है। कंपनी के मैनेजमेंट बहुत ही रिसर्च डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, और अपने निवेशकों को बहुत ही ज़्यादा जो है वो वैल्यू दे रहे हैं। अभी देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन, पहले ये 5% रखा करते थे 2010 में 2009 में, लेकिन अभी देखिए ये मार्जिन सीधे 20% पे आ गया है। इसी वजह से कंपनी का शेयर बहुत ही अच्छा गुना किया। आप कौन सी कंपनी कितना गुना करेगी, कितना अच्छा करेगी, इनिशियली यहाँ पर जिस बंदों ने लिया होगा 2009 में, उनको तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला होगा। यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप 5% 10% के प्रॉफिट पे मत निकलिए किसी भी शेयर से। कोई भी शेयर का
ऊपर का कोई लिमिट नहीं होता, नीचे का बस एक ही लिमिट जीरो होता है। तो इतना रुपए आप डाल के रखिए जिसको आप दोबारा ना देखें लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छी कंपनी में शेयर में पैसे लगाइए और भूल जाइए। देखिए नेट प्रॉफिट भी देखिए आपका किस तरह यहाँ पर 83 करोड़ हुआ करता था जो कि अब 1300 करोड़ हो गया है। बहुत ही ज़्यादा ये मल्टी मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, कई गुना रिटर्न दे चुका है और इसका प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी देखिए कंपाउंडेड ग्रोथ 5 साल का 7% है, लेकिन अगर वही आप देखेंगे कि इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ वो 22% था 10 साल का, 5 साल में तो जीरो है। वही देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल में 23% था। अब देखिए यहाँ सबसे समझदार समझने वाली बात क्या है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है स्लोली स्लोली अपने इक्विटी को डाइल्यूट कर रहा है। ये देखिए ये समझने वाली बात है थोड़ा, 26.94 से 27.21, 27.30, 27.33, ये थोड़ा सा कंसर्न है क्योंकि जब भी कोई बड़ी कंपनी हो जाती है तो उनको इस तरह का शेयर डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बजाज ऑटो के एक अपने स्मरण में बताया था, एक एनालिसिस में इंग्लिश में है वो, उसमें देखिए किस तरह मैनेजमेंट इतनी बड़ी मार्केट कैप करने के बाद भी अपने इक्विटी को डाइल्यूट नहीं करती है। तो ये सबसे समझने वाली बात है। देखिए कम अब यहाँ रिजर्व देखिए 1000 करोड़ हुआ करता था 2009 में, लेकिन अभी देखिए 11000 करोड़ इस कंपनी का रिजर्व हो चुका है, कई गुना ये बढ़ चुका है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट सॉलिड है इनका। थोड़ा सा इक्विटी कैपिटल को अगर वो संभाल लें, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लें, तो ये अल्टीमेट कंपनी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट। अभी देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंपनी के इन्वेस्टमेंट भी बहुत गजब तरीके से बढ़ रही है। 294 करोड़ हुआ करता था 2009 में, लेकिन वही देखिए अभी ये 2021 में 4000 करोड़ के अराउंड है। बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट को भी बना के रखा हुआ है। अब देखिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है इस कंपनी के पास, इनका कैश बहुत ही स्ट्रांग है। अब देखिए जो कैश रिच कंपनियां होती हैं उनके शेयर में आप देखेंगे बहुत ही कम गिरावट आता है। इस तरह देखिए यही चीज़, ये प्लस पॉइंट, ये इनका जो है कोर वैल्यू है किसी भी कंपनी का ना, कैश कोर वैल्यू होता है। इसलिए अच्छी कैश मेंटेन करने वाली कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। इन्वेंट्री देखिए 875 है, ट्रेड देखिए 158 है, बहुत ही अच्छी बात है। अदर एसेट भी देखिए 148 है, टोटल एसेट देखिए 14000 करोड़ है, बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी अच्छा कैश मेंटेन, कैश फ्लो उनका बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग सबको प्लस माइनस करें तो ओवरऑल 51 करोड़ का वो कैश बना रही है। डेटर डेज देखिए इनका थोड़ा सा नेगेटिव साइड में 3 से 7 जा रहा है, इन्वेंट्री डेज भी 42 से 62 जा रहा है, तो अभी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव है। कैश कन्वर्जन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, -26 से -41 आ रहा है। वर्किंग कैपिटल भी ठीक है, बैलेंस है, तो ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 17%। देखिए मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही कि कंपनी 60% 50% का कैपिटल एम्प्लॉयड मेंटेन करती थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये 25 से 17% पे आ गई है। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस तरह के कभी भी डाउनटर्न हो अच्छी कंपनी में तो उसे ले लेना चाहिए, एक अच्छे इन्वेस्टर की यह अच्छी बात होती है। अब देखिए आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इन्वेस्ट जो इनका प्रमोटर है उनका होल्डिंग थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। आप ध्यान से देखिए 39, 31, 29, 29, 28, 29, 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
कैपिटल जो रिड्यूस हो रहा है उसकी वजह से उनका परसेंटेज भी कम हो रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। FIA देखिए किस तरह इस कंपनी में बहुत अच्छे तरीके से अपना पोजीशन बनाए हुए हैं, थोड़ा 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 कम करते हैं फिर बढ़ा लेते हैं। DII उसी तरह देखिए अपने पोजीशन को घटा के फिर बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक भी देखिए अच्छी तरह से होल्ड किए हुए हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप यहाँ पर और बाकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीनर के साइड से देख सकते हैं, लेकिन मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना था किया है, और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको ज़रूर मदद करेगा आपके भविष्य के निर्णय के लिए कि ये शेयर अच्छा है या नहीं। कृपया अपने सलाहकार से ज़रूर बात कर लें कोई भी शेयर खरीदने से पहले। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।